बिग बॉस 16 में शुक्रवार और शनिवार का वार के बाद अब घर में होगा कैप्टेंसी टास्क। इसके लिए चारों दावेदार यानी सुंबल टॉकीर खान, सालीन भनोट, प्रियंका चाहर चौधरी और अंकित गुप्ता मैदान में हैं। सुंबल जहां अकेले खेलती दिखाई देती हैं, तो वहीं प्रियंका और सालीन गुटबाजी करते नजर आते हैं। हालांकि सुंबल पर इसका कोई असर नहीं होता, वह उन दोनों को चुनौती दे देती हैं। शो के मेकर्स ने प्रोमो रिलीज किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि सभी घर वाले गार्डन एरिया में होते हैं। सुंबल, सालीन, प्रियंका और अंकित लाल रंग से रंगे होते हैं। सभी कैप्टेंसी का टास्क करते हैं। इस दौरान प्रियंका कहती हैं, अंकित आजा मैदान में अब तू। इसके बाद जब टास्क शुरू होता है तो सुंबल देखती हैं कि सब उन्हें ही टारगेट कर रहे हैं, जिससे वे रेस से बाहर हो जाएं। इसके बाद उनके सपोर्ट में शिव आते हैं, लेकिन सालीन कुछ ऐसा कह देते हैं कि शिव चुप हो जाते हैं। उधर सुंबल सालीन को देखती हैं और कहती हैं, इनके हाथ में नहीं रहना चाहिए कुछ। फिर सालीन उन्हें चेताते हैं कि वहां मत जाओ, जिसके बाद सुंबल कहती हैं, डर गए क्या। फिर सालीन का मुंह बन जाता है। वह प्रियंका के पास जाकर कहते हैं, अंकित को कैप्टन बनना है। ये सब सुंबल देख लेती हैं और कहती हैं, जब अकेले खेलोगे तब आना सामने। ये बातें सुनते ही प्रियंका फट पड़ती हैं, कहती हैं, अकेले ही खेलते आ रहे हैं, लेकिन आप तो खेल ही नहीं रहे हो। जब सब हमारे खिलाफ होते थे तब कहाँ जाती थी। शिव कहते हैं, अगर साथ में खेल रहे हो तो डंके की चोट पर खेलो। अंकित को नया कैप्टन बनाने के लिए सालीन और प्रियंका जिस तरह से एक नजर आते हैं, उसे देख सुंबल के अंदर टास्क की भावना खत्म हो जाती है। इससे पहले एपिसोड में साजिद खान ने सुंबल को सलाह दी थी कि वह बिना किसी हिचकिचाहट के खेलें, भले ही वह हार जाएं, उससे वह कुछ सीख तो लेंगी और उसे सालीन और टीना के साथ अपने संबंधों को पूरी तरह से खत्म करने और यहां तक कि उनके साथ सामान्य बातचीत करने से बचने के लिए भी कहते हैं। सुंबल अपने पिता की कसम खाती हैं और कहती हैं कि वह उनके साथ कोई बातचीत शुरू नहीं कर रही, लेकिन उन्हें घर में सह अस्तित्व की जरूरत है, वरना उसके लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। वैसे इस स्टोरी पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बिग बॉस 16 से जुड़ी अपडेट्स लगातार पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें।